माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अर्थात आयनन विभव क्या होता है, क्या है किसी एलिमेंट किसी तत्व का आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव। पिछले वीडियो में हमने आयोनिक रेडियस पर डिस्कस किया था, आज बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। आइए चर्चा करते हैं। माय डियर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी उदासीन परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु से, ठीक है, उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक एग्जांपल के सहायता से हम इसको समझें। देखिएगा, हेलियम गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। पहली बात तो उदासीन गैसीय परमाणु, एक तो न्यूट्रल एटम है और फिर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब इस हीलियम से जब यह गैसेस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में, Hg+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको He से Hg+ में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता है, वह है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। इसे हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं। I1 का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम इस Hg+, ये जो मोनो पॉजिटिव आयन है, इस मोनो पॉजिटिव आयन से जब वह गैसेस फॉर्म में है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम रिलीज करें, एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करें, तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो Hg गैस से जो जब ये मोनो पॉजिटिव स्टेट में है, Hg+ से एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हम करेंगे तो ये Hg++ में डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, और ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे आवश्यक होती है। तो I2 का मतलब है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी द्वितीय आयनन विभव। किस प्रकार से समझे, देखिए मान लीजिएगा कोई मेटल है, इसे M+ में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, गैसियस फॉर्म में तो है ही, तो यहां पे जो एनर्जी रिक्वायर है वो तो हो गई I1। अब M+ को M++ में कन्वर्ट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया, तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई वो हुई I2 यानी सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और M++ से एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हम करें और इसे M+3 आयन में कन्वर्ट करें, तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो होगी I3। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और ये थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, एक चीज का यहां पे ध्यान रखेंगे, द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी द्वितीय आयनन विभव की जो वैल्यू है, आप देख रहे हैं यहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है हमेशा ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
यानी जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जो द्वितीय आयनन विभव है, वो हमेशा प्रथम आयनन विभव यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होता है। क्यों होता है? देखिए, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एलिमिनेट, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एच ई किसमें कन्वर्ट हो गया, एच ई प्लस में, तो आपको मैंने बताया था कि कैटायन का साइज कैसा होता है, छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो आफ्टर रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की रिमूव हो जाने पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड। जो नाभिकीय आकर्षण है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, जो मोनोपॉजिटिव आयन में क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गए, तो क्या होता है, इट मेक रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन मोर डिफिकल्ट, ठीक है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक कठिन होता है, अधिक डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो हमेशा जो ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा तो ये डाइपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और डाइपॉजिटिव आयन का साइज क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर और बढ़ जाएंगे, और वैलेंसी शेल पर इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण और प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से भी अधिक होगी वैल्यू थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होगी, और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करें पीरियोडिसिटी। क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, या फिर हम किसी आवर्त में, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने ये सेकंड पीरियड लिया है और ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, अल्कली मेटल्स हमने लिया है। और जो पीरियड लिया है वो हमने सेकंड पीरियड लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन। ये जो प्रॉपर्टी है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस है वह है पीरियड में रेगुलर क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ग्रुप में रेगुलर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है। जब रेडियस डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आते चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, जब इधर लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो रेडियस घटेगा, त्रिज्या घटेगी। जब त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के निकट आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वो नाभिक के निकट आएंगे उन पे नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाता है। सो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होता चला जाता है। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीज्ड इन ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होते हैं, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखें, लिथियम का 5.4, बेरिलियम का 9.3, बोरॉन का 8.3, कार्बन का 11.3, नाइट्रीन का 14.7, ऑक्सीजन का 13.6 और फ्लोरीन का है 17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां पे दो वेरिएशन आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली लगातार ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। बेरिलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि बोरॉन का 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी बेरिलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक है।
यहां पे ये वेरिएशन शो कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है 14.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ऑक्सीजन का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या रीजन है इसका, क्या कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अधिक होता है, इसका क्या कारण है, इस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बताएंगे इसका क्या रीजन है। ठीक है, बात करते हैं पहले जब हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी ग्रुप में आते हैं नीचे की तरफ, तो आपको मैंने बताया था क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो लगातार क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती चली जाएगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां पे ये आ गया लिथियम, फिर उसके बाद शेल नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे सोडियम में आ गया, फिर पोटेशियम में आ गया। तो आप यहां देखें ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, यहां पे आप देखें, ठीक। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे है वैलेंसी सेल में, तो आप देखेंगे कि साइज इंक्रीज हो गया, तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है। अब जो है नाभिक से दूर हो गया तो इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होंगे कि कम होंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे, इस पे अधिक अट्रैक्शन होगा, इस पे और कम अट्रैक्शन होगा और इस पे और भी कम अट्रैक्शन होता है। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ए ग्रुप एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो उसको निकालना, उसका रिमूवल क्या हो गया, इजी हो गया। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्सेस घटेंगे वैसे वैसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम होती चली जाएगी, अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यहां 5.4, यहां 5.14, यहां आप देखें 4.34 और रुबिडियम का 4.17, सीजियम में आप देखें 3.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर होगी बात, तो पीरियड में लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ग्रुप में लगातार डिक्रीज होगा। ठीक, अब हम देखें यहां पे वेरिएशन, मैंने एक लिखा भी है कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कारण है कि जो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, प्रथम आयनन विभव है, वो ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होता है। अब देखिए ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसको कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब सेल्स का, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल्स का जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बताया था कि एक तो फुलफिल सब सेल अधिक स्टाइल होता है, जो कंप्लीट फिल होगा सब सेल वो अधिक स्थाई होता है, और उससे कम स्थाई कौन सा होता है, हाफ फिल्ड सब सेल। तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल के ऊपर आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, यानी कि नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको मैंने बताया था हाफ फिल्ड सबसेल इज मोर स्टेबल सिस्टम, ठीक है, देन इन कंप्लीट सबसेल। अब यहां पे आप देखें कि ये p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे हुंड के नियम से, ठीक है, और जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ऑक्सीजन में यहां चूंकि 2p4 है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां आता है, इस वाले ऑर्बिटल में आता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर सेम काइंड चार्ज होता है, एक जैसा ही आवेश होता है, ऋणावेश होता है, तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर गया
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है तो ये इसको समान आवेश होने के कारण वैसे ही बाहर की तरफ धकेलता है, प्रतिकर्षण होता है, इनके मध्य क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये हाफ फिल्ड सबशेल है तो ये मोर स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, और यहां पे ये इनकम्प्लीट सबशेल है, ये लेस स्टेबल है। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन वैसे भी इस ऑर्बिटल में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या रहता है, रिपल्ड रहता है, प्रतिकर्षित रहता है, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि मान लीजिएगा भाई इसको तो आप बाहर खींचेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे आप, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तो अगर कोई अंदर से ही बाहर की तरफ धक्का देने लगे तो इसे तो वैसे ही कम एनर्जी के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल सिस्टम है और ये लेस स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल। एक स्थायी व्यवस्था से इलेक्ट्रॉन खींचना अधिक कठिन है, उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है नाइट्रोजन का, वो ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होता है, ठीक। इसी प्रकार से आप बेरिलियम और बोरॉन का भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि बेरिलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बोरॉन से क्यों अधिक होता है। देखिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s2, ठीक है, 1s2 और 2s2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2, और बोरॉन का कितना होता है 5, 1s2 2s2 और 2p1। पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहां होगा 2p1। तो ये देखिएगा बेरिलियम में भी आप देखें कि बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है और बोरॉन का किस में है, 2p, ठीक। तो ये इनकम्प्लीट सबशेल है, ये लेस स्टेबल सिस्टम है, और ये जो है फुल फिल्ड सबशेल है। देखिए s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसमें, तो ये कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है, तो ये अधिक स्टेबल है। तो एक मोर स्टेबल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा कठिन है, यानी बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा कठिन है, यहां ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और यही कारण है कि जो बेरिलियम है इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होता है बोरॉन से, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ओके, थैंक यू।